प्रदेश सरकार के निर्देश पर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए पहली जून से चलाए गए विशेष टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को नगरीय स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में अभिभावक स्पेशल कोविड टीकाकरण केंद्र पर 12 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों के अभिभावकों को कोविड का टीका लगाया गया। गौरतलब है कि तीसरे चरण को लेकर प्रदेश की योगी सरकार काफी गंभीर है, उसी को देखते हुए बच्चों के अभिभावकों को कोविड का टीकाकरण कराया जा रहा है, जिससे गार्जियन स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और तीसरे चरण में उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने आए रोहित कुमार, रोशनी, पीयूष वर्मा एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव और CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। रोहित कुमार, दीवान दयाराम माया टाकिज, गोरखपुर। रजिस्ट्रेशन कल हुआ? रजिस्ट्रेशन कल कल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। रोशनी माया टाकिज। वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं? किसी तरह की परेशानी नहीं? नहीं, सरकार निःशुल्क वैक्सीन लगा रही है, क्या कहेंगे सरकार? सरकार बहुत अच्छा कर रही है, इससे कोरोना की रोकथाम होगी। कुश वर्मा। हाँ सर। तो कुमारपुर से। वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत किसी तरह की परेशानी? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार निःशुल्क वैक्सीन लगा रही है, सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं UPSC बसंतपुर की MOIC हूँ, डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव। मेरे वहाँ अभिभावक स्पेशल राउंड चल रहा है इस समय। हम लोग को 150 का स्लॉट दिया गया है और ऑलमोस्ट अभी हमने 30 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और नो डाउट पिछले लास्ट 3 डेज से हम लोग ये स्लॉट अभिभावक स्पेशल कर रहे हैं। तो डे बाई डे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और पर डे हमारा नंबर जो वैक्सीनेशन का है वो इंक्रीज ही कर रहा है। दो सेंटरों पर अभिभावक स्पेशल का टीकाकरण हो रहा है। इसमें 12 साल से नीचे के बच्चों के माँ बाप का टीकाकरण इन दोनों सेंटरों पर होना है। दोनों ही दोनों सेंटर हमारा एक अर्बन PSC बसंतपुर है और दूसरा एम्स है। इन दोनों सेंटरों पर अभिभावक सिर्फ उन्हीं माँ बाप को लगना है जिनके बच्चे 12 साल के नीचे के हैं।